किरण जी बताइए, आप क्या करने वाले हैं 2020 में? देखिए, मैं तो रोज 8 किलोमीटर दौड़ लगाता ही हूँ कि कई साल हो गए, तो फिजिकली तो फिट हूँ। क्या है कि ट्रेडिंग करते हुए हमें मेंटली फिट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्रेडिंग एक स्ट्रेसफुल जॉब है। तो मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया कि आपको योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, तो ये इस साल से चालू करने की ये तय कर दिया है मैंने। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, वंडरफुल, वेरी नाइस। वैसे तो किरण जी एकदम बैलेंस है, मैं तो पुणे गया था, मिला भी था काफी, एकदम हेल्थ वेल्थ और फिजिकल फिटनेस सबके मामले में एकदम परफेक्ट है। आपको कभी गुस्से में वैसे देखा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि मतलब कभी आप, वैसे तो शांति है, फिर भी हो सकता है किसी ने बोला होगा घर पे या कहीं तो किरण जी को लगता है मुझे थोड़ा शांत रहना चाहिए। तो किरण जी बिल्कुल योगा जरूर कीजिएगा और ये आपके काम भी आएगा। तो ये है हमारे एक्सपर्ट्स के रेजोल्यूशन जो आज आपके लिए। जरा स्टॉक्स पे बात कर लेते हैं, जरा किरण जी एक बार eClerx इसके चार्ट देखिए, जबरदस्त एक्शन में है स्टॉक, आज तो वॉल्यूम भी अच्छे खासे हो रहे, वैसे इतना ज्यादा वॉल्यूम होते नहीं है, आज 13% से ज्यादा की मजबूती है, क्या हो रहा है सर इस स्टॉक में, कुछ बड़ा ब्रेकआउट होने की तैयारी में? eClerx मेरा मानना है कि जो मूव आज आया है बहुत ही शानदार आ गया है, और बहुत बड़े वॉल्यूम्स के साथ आ गया है, और बहुत बड़ी गिरावट के बाद जो एक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न होता है उसके बाद आ रहा है। तो मेरा मानना है कि ये एक अच्छा मूव दिलाता नजर आएगा, पर ये आपको पोजिशनली रखना पड़ेगा। 600 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, अभी करीबन 647 पे ट्रेड कर रहा है। टारगेट्स इस पैटर्न के करीबन 825 के है, तो ये टारगेट्स आने के लिए 1 से 1.5 महीना लग सकता है, पर ये टारगेट्स आज जरूर आ जाने चाहिए। ठीक है, तो ये राय है फिलहाल इस स्टॉक को लेके eClerx। नारायण हुदाले इसके चार्ट देखिए। नारायण हुदाले मेरा मानना है कि अच्छा चार्ट पैटर्न है, इधर से मुझे लगता है कि अपसाइड देखने में मिल जानी चाहिए। जिस तरीके से नारायण हुदाले का चार्ट पैटर्न बनता नजर आ रहा है, यहां से मेरा मुझे लगता है कि इधर से 15 से 20% की अपसाइड आपको देखने को मिल जानी चाहिए 1 से 1.5 महीने के अंदर। ठीक है, ये है नारायण हुदाले पे आपके लिए राय। किरण जी मुझे याद है टाटा ग्लोबल तो कल आपने भी हमें बताया था 329-334 के टारगेट आपने दिए थे, बने रहे इस कॉल में, आपका भी राय बरकरार है, ये स्टॉप लॉस 321 वाला रिवाइज कर सकते हैं? बिल्कुल, लॉन्ग पोजीशन से रखने चाहिए और स्टॉप लॉस भी 321-20 पे ही रहने चाहिए। मेरा मानना है कि 328-330 के लेवल सबको कल देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, ठीक है, परफेक्ट है। तो टाटा पावर ये सुस्त है शेयर, लेकिन आज चलने के मूड में है पावर स्टॉक के साथ। तो किरण जी जरा इसके चार्ट देख लीजिए, अगर इसमें कोई दम है तो बता दीजिए। ये टाटा पावर, सारे पावर स्टॉक्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं, और आज टाटा पावर ने ना, अगर हम पिछले 5 महीने का, ये पिछले 4 महीने का डेटा लेते हैं और सारे टॉप ज्वाइन करते हैं, तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, और मेरा मानना है कि कल परसों तक ये 60 रुपए के नजदीक आते हुए देखने को मिल जाना चाहिए, जहां पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। तो अभी बाय करने की सलाह है, 50 पैसे 60 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा 57 के नीचे, और टारगेट्स के लिए जैसे मैंने कहा 60 रुपए के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। दूसरा पावर सेक्टर में एक और एक बीटीएसटी के लिए है, वो है सीएससी। CSC भी मुझे लगता है कि इधर से एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने चाहिए। 747-748 पे ट्रेड कर रहा है, 742 का बहुत नजदीक वाला स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट के लिए मैं मानता हूँ 760-765 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, ठीक है, पिछले कुछ मिनटों में बड़े तेजी से भागा है, कोई खास बात हो रही है इसमें? हिंदुस्तान ऑयल में मुझे लगता है कि एक छोटा सा पुलबैक रैली मान के चलना चाहिए, बहुत बड़ी मूव नहीं आएगी इसमें, चार्ट पैटर्न उतना अच्छा नहीं है, पर एक पुलबैक जो है वो करीबन इधर से और 97-98 तक ले जा सकती है, और इस लॉन्ग पोजीशंस के लिए आपका 91 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए। ओके, किरण जी मैक्स फाइनेंशियल बीटीएसटी करेंगे इसको? मैक्स फाइनेंशियल चार्ट पैटर्न अच्छा है, बिल्कुल लॉन्ग पोजीशंस रखने चाहिए, 536 का मेरा पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट के लिए मैं मानता हूँ 565-575 के लेवल सबको 1 से 2 दिनों के अंदर देखने को मिल जाने चाहिए। ठीक है, 565-575 तक के टारगेट्स आपको 1 से 2 दिन में मिल जाएंगे। IDFC फर्स्ट बैंक इसमें बीटीएसटी करेंगे? ये भी बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न है, IDFC फर्स्ट जिस तरीके से इसने एक अपमूव देता नजर आ रहा है, मेरा मानना है कि इधर से एक अच्छी अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए। इसने 45 के लेवल जो क्रॉस किया है और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, मेरा मानना है कि आपका स्टॉप लॉस
44-70 का रखना चाहिए और टारगेट्स के लिए 48-49 के लेवल्स आपको अगले दो ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलेंगे। वागले साहब बहुत शुक्रिया हमारे सभी महानुभावों का, कुणाल जी, राकेश जी धन्यवाद, किरण जी आपका भी शुक्रिया और जयपुर वाले जी।